गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारे लग रहे हैं। माँ गंगा के साथ, काशी के साथ आपका ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? नामांकन का मौका है, पूजा पाठ करके माँ गंगा को प्रणाम करके आप आ रहे हैं। एक तो आज दो अवसर हैं, गंगा सप्तमी है और इसी दिन माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था, और यही दिन है जिस दिन शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे 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 जनहित में माँ गंगा को प्रवाहित किया। धरती पर आने में तो देर लगी थी, लेकिन प्राकट्य महोत्सव था आज, तो ऐसा एक शुभ अवसर है। दूसरा, मैं अनुभव करता था जब पहली बार मैं आज मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी उससे मुझे लिंक कर दिया, और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा ये भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। माँ को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो आपकी भावना है, माँ गंगा ने एक वक्त पर आपको बुलाया और फिर आप काशीवासी ही होकर रह गए। यहाँ के लोगों का जिस तरह से प्यार स्नेह आपको मिलता है और माँ गंगा का आशीर्वाद, काशी वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर रानी अहिल्याबाई के बाद किसी ने काशी नगरी को बदलने का काम किया है, इसको विकास की तीव्रता देने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं काशीवासियों का आभारी हूँ, वो इस भाव से इस काम को देख रहे हैं। लेकिन जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए, यहाँ के लोगों के मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था जी। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। आप पूरे बनारसिया ही हो गए हैं। रोड शो के दौरान जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ था, आपकी एक नजर लोगों पर पड़ जाए उसके लिए लोग व्याकुल हुए चले जा रहे थे, तो ये जो लोगों की भावना है आपके प्रति, वो क्या बताती है काशी में जब आप आते हैं और बनारसिया हो जाते हैं? इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत के नागरिकों के अंदर एक आध्यात्मिक प्रवाह अविरत बहता रहता है, और वही भारत की आत्मा है। वो अलग अलग लोगों के व्यवहार में किसी न किसी रूप में प्रकट होती है, और मुझे जब दो लोग इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं उसमें मुझे नहीं देखता हूँ, न ही मेरे सामर्थ्य को देखता हूँ, न ही मेरे कुछ किए हुए कामों को देखता हूँ। जब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, भक्ति भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई, मेरा दायित्व दिनों दिन बढ़ रहा है। और जब समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जी, और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है
ये भाजपा नहीं है जी। लेकिन तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है और परमात्मा ने भारत भूमि को चुना, परमात्मा ने मुझे चुना और एक प्रकार से मैं अब सारे बंधनों से विरक्त होकर के हर काम को परमात्मा की पूजा समझ करके करता हूं, ईश्वर की आराधना समझ के करता हूं। और जब मैं ईश्वर के रूप की बात करता हूं तो वो ईश्वर जो हमने किसी ने देखा नहीं है, निराकार है। दूसरा, मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का रूप मानता हूं। तो 140 करोड़ देशवासी को ईश्वर का रूप मान करके परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है उसकी एक एक क्षण, एक एक पल और शरीर का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए है और यही मेरी ईश्वर की आराधना है। अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाते हैं, दुनिया भर में जिनके धाक है, जिन्होंने अपने निर्णयों से लोगों को चौंका दिया है, और जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं, वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं, उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए। तो ये जो दो अलग अलग नरेंद्र मोदी हैं, इसको अलग अलग नहीं है आप, मैं कंपैरिजन मेरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है इसमें से मैं समझा सकता हूं। आप श्री कृष्ण को गायों के बीच देखे और श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते देखिए, आपको दो रूप दिखेंगे, लेकिन कृष्णा एक है, कृष्णा अलग नहीं है। अलग अलग घाटों से हम होते हुए जा रहे हैं, 88 घाट हैं इस पूरे काशी नगरी में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आपकी ओर से बहुत ज्यादा काम करवाया गया और यहाँ पर घाटों की साफ सफाई अपने आप में लोगों को आकर्षित भी करती है। 2017 और 18 का जो काशी में आने वाले लोगों का आंकड़ा था वो तकरीबन 62 लाख था, 2022-23 में वो पहुंचकर 7 करोड़ हो गया है। और काशी के लोग बताते हैं कि जब जब मोदी यहाँ आते हैं तब तब पर्यटकों की तादाद, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में दुर्भाग्य से भारत के सामर्थ्य को नकारा गया, इतना ही नहीं उसको एक प्रकार से नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास हुआ। 140 करोड़ का देश, हर बेटे की इच्छा रहती है कि मैं मेरे माँ बाप को गंगा स्नान कराऊंगा, मेरे माँ बाप को चार धाम की यात्रा कराऊंगा, अब मैं अध्यात्म भावुकता सब छोड़ दूं, लेकिन मैं एक कॉमर्शियल माइंड से सोचूं, फाइनेंशियल माइंड से सोचूं, 140 करोड़ का मार्केट, जो गंगा जाना चाहता है, जो चार धाम जाना चाहता है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग जाना चाहता है, जो अष्ट गणेश की पूजा करना चाहता है, जो 51 शक्तिपीठ जाना चाहता है, इतना बड़ा, और वही तो इस देश के मालिक है, उन्हीं को तो टैक्स से देश चलता है, क्या उनको शुद्ध पानी नहीं मिलना चाहिए, उनको सफाई नहीं मिलनी चाहिए, क्या उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनको रात गुजारनी है तो अच्छी व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये उनका हक है, चूंकि ये धार्मिक स्थान है इसलिए मेरे देश के लोगों का हक मैं छीन लूं, ये मुझे गवारा नहीं है। तो मैंने इसमें इकोनॉमी भी देखी है और इसमें मैंने भविष्य भी देखा है। और जब
आप अपनी चीजों का सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं, तब जाकर के दुनिया करती है। बिल्कुल। और G20 समिट में मैंने एक प्रयोग किया कि मैं G20 को मोदी तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को दिल्ली तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं G20 को देश के अलग अलग स्थानों पर 200 मीटिंग करके ले गया। बिल्कुल। और उसका परिणाम ये हुआ कि G20 का काम तो हुआ, लेकिन दुनिया को और सारे डिसीजन मेकिंग लोग आते थे, यहाँ करीब 1 लाख लोग आए थे, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के निर्णय प्रक्रिया के जो महत्व के लोग होते हैं, करीब 1 लाख लोग आए थे। बिल्कुल। और उन 1 लाख लोगों ने ये सारा देश देखा, तो उनको जो दिल्ली के बाहर गए उनको लगता है ये देश ऐसा है, इतना विविधताओं से भरा हुआ है। तो मैंने मेरे देश का ब्रांडिंग करने के लिए भी G20 का उपयोग किया। बिल्कुल। विश्व के कोई नेता आते हैं, मैं उनसे गंगा आरती करवाता। बिल्कुल। उसमें मुझे कहे, मैं इनका हिंदूकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको प्रकृति के प्रति हमारा प्यार क्या है, हम प्रकृति के प्रति कितने समर्पित है, हम प्रकृति के संघर्ष करने वाले लोग नहीं है, हम प्रकृति का विनाश करने वाले लोग नहीं है, हम प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का संवर्धन करने वाले लोग हैं। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। और उसका असर भी हम सब लोगों ने देखा है। फिलहाल अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए हम चले जा रहे हैं, आगे बाबा विश्वनाथ का वो धाम आ जाएगा जिसका कायाकल्प करने का काम आपकी ओर से किया गया और 70,000 लोग एक बार आके वहां पर दर्शन कर सकते हैं, इतना भव्य बनाया गया है। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद 400 पार के लिए मिल रहा है क्या? एक तो मेरा मूलतः ये फिलोसॉफी चिंतन है कि अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में जाएंगे तो वलसाड़ के दूर जंगलों में एक आदिवासी मंदिर है, आदिवासी लोग वहां आते हैं, मोगरा और समथिंग नाम है मैं भूल गया, और लाखों लोग आते हैं, एक टॉयलेट नहीं, वो जब पेड़ के नीचे सोते थे। तो मैंने सबसे पहला उसको रिनोवेट किया था, ठीक है। तो अब से मुझे लगा ये एक बड़ी ताकत है और एक प्रकार से आदिवासी समाज ने मुझे प्रेरणा दी जी। दूसरी ये घटना मेरे लिए बड़ी इमोशनल हो गई, मैं जब 2017 का यहाँ असेंबली का चुनाव था तो मेरा यहाँ काशी में रोड शो था और दूसरे दिन मेरी सोमनाथ में सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग थी। बिल्कुल। तो मैं यहाँ काशी रोड शो करके रात को गुजरात जाकर के सोना था तो गांधीनगर गया जी। तो मैंने सोचा मेरी माँ का मेरे भाई के यहाँ रहते रास्ते में घर पड़ता है, तो मैंने कहा मैं माँ को देर हो गई लेकिन माँ को पैर छू करके जाऊंगा। तो माँ के पास गया और माँ को मिलता तो पहला सवाल रहता था 8 बजे सुबह मिलो तब भी, दोपहर को मिलो तो भी, रात को मिलो, खाना खाया, ये पहला सवाल माँ का। फिर कहाँ से आए हो? मैंने कहा माँ मैं काशी से आया। अच्छा तुम काशी गए थे? मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय उनकी उम्र 93-94 होगी। उन्होंने कहा तुम वो काशी विश्वनाथ जाते हो कि नहीं जाते हो? मैंने कहा माँ तुम्हें काशी विश्वनाथ शब्द कैसे याद है? बोले नहीं मैं गई हूँ। बोले 40-50 साल पहले गई थी, तेरे पिताजी ले गए थे। तुम बोले वही मंदिर ना जो लोगों के घरों में जैसे जाते हैं, गलियों में जैसे किसी घर में जा रहे हैं मिलने के लिए और फिर पता चलता है तो मंदिर है। तो बोले अभी भी ऐसा ही है क्या? मैंने कहा हाँ माँ ऐसा ही है। तो क्या तुम क्यों बैठे हो, क्या करते हो तुम? तो मुझे पूछा। मैंने कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए प्रसाद देने आया हूँ। और मैंने कहा मुझे सुबह यहाँ से सोमनाथ जाना है। नहीं बोले वो तो मैं ये बराबर याद है, ऐसा है बोले किसी के घर में जैसे गली में जाते हैं ऐसा है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ये विश्वनाथ याद रहना, उनको पूरा दृश्य याद रहना 40-50 साल के बाद। वैसे मेरी माँ की मेमोरी बहुत शार्प थी, आखिरी तक मैंने देखा बहुत शार्प थी। तो एक और दूसरा मेरी माँ के एक वाक्य मुझे ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और वही माँ जब 100 साल की हुई और उनका 100 का जन्मदिन था जी, तो मैं माँ के पैर छूने गया था। हम कभी जन्मदिन वगैरह तो मनाए नहीं जीवन में। तो माँ ने कहा, मैंने माँ को कहा माँ मैं मेरे लिए तो कुछ कहो तुम, मैं क्या करूँ? तो मेरी माँ ने एक जो वाक्य कहा है, शायद बड़े बड़े पंडितों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा वो बोली नहीं जी। उसने कहा देख भाई
दो चीजें ध्यान रखा। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात कहता हूँ, मैं पहली बार जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं दिल्ली से गुजरात गया, तो मैंने सोचा पहले माँ को मिलकर बताऊं कि मेरा मेरी नौकरी बदल रही है। तो मैं गया माँ को, कहा मैं माँ मैं अब गुजरात आ रहा हूँ। आपने कहा नौकरी बदल रही है? तो बाप के पास गया जी, मैंने कहा माँ मैं अब गुजरात आ। अच्छा अच्छा तुम गुजरात आ जाओगे? हाँ। तो उनकी खुशी यही थी कि मैं गुजरात आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा एक काम मिला है तो मैं काम करूँ। अच्छा तो बोले एक काम देखना। हाँ। गुजराती में शब्द है लांच, रिश्वत के लिए बोलते हैं। बोले देखिए दो काम जरूर करो, लांच लेना नहीं और गरीब को भूलना नहीं। ये दो बातें कही। 100 साल के उम्र के समय इतने साल मुख्यमंत्री, इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद गया तो माँ को मैं मिलने गया 100 साल की उम्र पे। मैंने कहा माँ आज 100 का जन्मदिन है, मुझे भी तो कुछ आप आदेश दीजिए। तो माँ ने कहा देखो भाई दो काम संभाल के करो। मैंने कहा क्या? एक काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैंने मेरे भतीजे को मैंने कहा टैप कर लो भाई। ये वाक्य कोई कभी भी नहीं निकाल सकता है। तो ये दोनों चीजें मैं जोड़ के देखता हूँ कि उनके अंदर एक सातत्य था, एक विरक्त भाव था, और वो अपने बेटे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी मानती नहीं थी। पर्सनल प्रॉपर्टी कभी नहीं माना उसने। उसने मान के चली कि ठीक है मैंने जन्म दिया है, देश के लिए काम करेंगे। अब देखिए मैं गांधीनगर में रहता जी। मेरी माँ 2 किलोमीटर दूर एक कमरे वाले घर में रहती थी। मैंने कहा माँ यहाँ आकर के अगर तुम रहोगी तो रह सकती हो, मेरे यहाँ सरकारी मकान है, कमरा है। उसने कहा भाई मैं तो रह लूंगी। हाँ। तेरे काम का क्या होगा? मैं तेरे काम को बिगाड़ने के लिए नहीं हूँ। और वो नहीं आई। यानी उनके मन में रहता था कि उसका बेटा अपने दायित्वों को पूरा करे। बिल्कुल। और माँ के जीवन की अमिट छाप आप पर दिखाई भी देती है, और मौजूदा वक्त में हम सब जानते हैं कि माँ बहनों का प्यार दुलार आपको कितना मिलता है। कहीं भी आप जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लेकर लोग आ जाते हैं, आंसुओं की बौछार सी हो जाती है जब माँ बहनें आपको अपने पास देखती हैं। तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? और मुझे लगता है कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल मैं जरूर करूं, क्योंकि आपके विरोधियों के बड़े सारे सवाल हैं आपके लिए। तो मैं अब आ जाती हूं, उत्तर प्रदेश में हम हैं, आपने भव्य रोड शो कर लिया है, और यूपी की 2014 में 71 सीटें हमने देखी थी, आपने जीती थी 2014 में 62 सीटें, 2019 में जीती थी। अब 2024 के लिए क्या है लक्ष्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपका? हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा। हाँ। कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का? खाता भी नहीं खुलेगा। रायबरेली से तो राहुल गांधी मैदान में है, वो मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, और मीडिया के लोग उस परिवार को बहुत संभाल भी रहे हैं, और शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी पिछले 7-8 साल में, तो वो संभाले, मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक मैं साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा, उनको क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा टोन बहुत ही तीखा कर दिया है, और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है, केरल शायद उनको पहचान गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया। अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान ली हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो, ऐसा है किसके साथ है वो? पहले भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों निकल चुके थे,
ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके काली बंडी पर जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती है। उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलता है और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है। और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता जी, जी। लेकिन मैंने कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे, हाँ। उसके बाद मैं कर पाऊंगा क्योंकि हमें मालूम है, तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी टीम मिली है, हाँ। हर राज्य में चाहे विपक्ष में हो तो भी और सरकार में हो तो भी, चाहे मुख्यमंत्री हो तो भी चाहे मंत्री हो तो भी, हाँ। हर कोई सिद्धांतों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जी जान से जुटे रहते हैं, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे पास ऐसे सैकड़ों होनहार लोग हैं। महाराष्ट्र और बंगाल क्या चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए? और महाराष्ट्र में शरद पवार जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में आगामी वक्त में विलय कर लेंगी, उनके बयान को कैसे देखें? देखिए उनका बयान आया बारामती के चुनाव के बाद और शरद पवार का बयान है तो मतलब उसमें कोई ना कोई महत्व है। और मैं पक्का मानता हूं शरद पवार मान चुके हैं कि मान्य विपक्ष बनना भी संभव नहीं है कांग्रेस के लिए, और इसलिए छोटी छोटी पार्टी अगर मर्ज कर देती है तो हो सकता है मान्य विपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए वो उनको मिल जाएगा और इसलिए वो मान्य विपक्ष की दिशा में जाना चाहते हैं और इसलिए शायद वो इस बात में लगे हुए हैं कि मान्य विपक्ष बनाने के लिए इन सबको मर्ज कर दिया जाए। मुझे पता है बहुत कड़ी धूप है लेकिन छोटे छोटे जल्दी जल्दी और धूप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वो नहीं रखती है क्योंकि मैंने जिंदगी इसे इसी प्रकार से जी है, मैं सुख वैभव में कभी इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त पे मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर आप रैली को संबोधित करते हैं, फिर शाम को रोड शो करते हैं, फिर रात में मीटिंग करते हैं, इतनी जो ताकत है। सैकड़ों कारण हो सकते हैं लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है, पुरुषार्थ करने की दिशा भी परमात्मा देता है, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण आपने करवाया और उसके बाद वहां पर रामलला के राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। 500 साल तक एक संकल्प को लेकर ये देश जिया है, अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, अगर ये इसका श्रेय जाता है तो 500 साल तक तपस्या करने वाले, संघर्ष करने वाले, बलिदान करने वाले मेरे देश के सभी महापुरुषों को, मेरे देश के जन जनार्दन को इसका श्रेय जाता है। लेकिन परमात्मा ने और जनता ने मुझे निमित्त बनाया, शायद वह ईश्वर की कृपा है। चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का? चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है, जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया उनको डर लगता है कि अब ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में है। आप जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं, यहाँ पर एक दो जल्दी जल्दी से सवाल और मैं पूछूंगी, ये आत्मविश्वास आपने कहा कि जनता जनार्दन का प्यार मिलता है, परीक्षा पे चर्चा हमने अक्सर आपकी देखी है, अभी परीक्षा चल रही है, 378 सीटों पर चुनाव गुजर चुके हैं, हर चुनाव में आप इस देश का एजेंडा तय करते हैं, तो अब जो तीन चरण के चुनाव है उसके लिए क्या है एजेंडा आपका? कल ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आए जी, और जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और जो उत्तीर्ण होने में थोड़े पीछे रह गए हैं मैं उनके लिए कहूंगा कि निराश मत होना, जीवन में यही सब कुछ नहीं होता है। और इसलिए मैं 10वीं 12वीं के सभी बच्चों को और उनके माता पिता को भी कहूंगा कि आप उनका हौसला बुलंद कीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसे मेरी कसौटी नहीं मानता जी। ये जनता जनार्दन खुद को कस रही है,
जनता सोच रही है कि हम ऐसा क्या करें ताकि मोदी दुनिया में भारत की साख और बढ़ाए, हम ऐसे मोदी को कितना मजबूत करें ताकि मोदी कभी थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। तो जनता जनार्दन उन्होंने जो 400 पार का संकल्प लिया है उसकी पूर्ति के लिए जनता जनार्दन जी जान से जुटी हुई है। अब मैं आ जाती हूं, आपने कहा कि लोग ही इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों दुनिया की आपने बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है, कल जब मैं रोड शो कवर कर रही थी, आप अलग अलग हिस्सों से आगे की ओर बढ़ रहे थे, उस दौरान रूस से लौटे हुए कुछ छात्रों से मेरी मुलाकात हुई जो आपके प्रति अपने बड़े इमोशंस के साथ भावनाएं प्रकट कर रहे थे। ये जो रूस यूक्रेन वॉर के दौरान छात्रों को बाहर लेकर आने को लेकर यहां पर अक्सर विपक्षी दल आप पर निशाना साधते रहते हैं, तो कैसे उनको जवाब देंगे, कैसे ये संभव हो पाया था, क्या किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? मैं समझता हूं कि इसकी गहराइयां मेरे विदेश मंत्री जी ने बहुत डिटेल में कह दी है। और मैं बार बार क्रेडिट ले रहा हूं, ऐसी कोशिश हो कोई माने, इसलिए मेरा मौन रहना ही अच्छा है। मैं खुश हूं कि कम से कम जो विद्यार्थी वापिस आए उनको पता है कि कैसे आए, उनके माँ बाप को पता है कैसे आए, देशवासियों को पता है कि कैसे आए, मेरे लिए वही काफी है। मुझे अपने शब्दों में क्या कहने की जरूरत है। यहाँ पर पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था जिसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी चूड़ियां पहनाने को लेकर, उस पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी आप, देश से लेकर ऐसा है वो उनको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी सवाल, 400 पार का आप नारा दे रहे हैं और G7 जो इटली में होने जा रहा है 4 तारीख को जब यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, मुझे ऑलरेडी निमंत्रण आ चुका है और मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, तो आप जाएंगे वहाँ पर? जी हाँ, शपथ समारोह होकर के मेरा जाना हो जाएगा। और अब की बार 400 पार ये नारा बिल्कुल कायम है? ये नारा नहीं है, ये देश की जनता का संकल्प है, इसको नारा मत मानिए।